बीपीएल भी काट दिया सर, सर विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं सर हम, सर आपसे उम्मीद है सर, और लगे हुए आप देख ही रहे हैं ट्रैवल है ना, उम्र सर 35-40 सालों के सर की होगी ना, 3 महीने सर करेंगे बड़ा मुश्किल हो गया। तो आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मल्टीटास्क वर्कर से यहाँ पर मिलने पहुँचे हैं और वो मल्टीटास्क वर्कर उनके समक्ष गुहार लगा रहे हैं। पापा बीमार है 70 साल एज, उनकी 2000 की दवाई आती है, क्या करेंगे, एज भी हो गई, किराए में चला जाता है सबका। सर यही है कि हमारा सबका एक हमारा डेली बेस तो सर होना चाहिए हमारा सबका ना सर, सर प्लीज़ हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। 13 साल है बच्ची सर जॉब, अब अगर हम जल्दी नहीं आते हम डेली में यार पक्के नहीं होते सर, तो सर 45 एज है, अब अगर वो पॉलिसी में लाते हैं तो तब वो तो पॉलिसी रेगुलर डेली आने से पहले ही वो रिटायर हो जाएंगे सर, ये हमारा परिवार तो बहुत ही, तो प्लीज़ सर मैं करूँगा डेली के लिए आपसे बहुत उम्मीद है सर, उम्मीद है सर आपसे डेली में उम्मीद है सर, हम हमारे परिवार थोड़ा सा नमस्कार सर, सर नमस्कार सर जी, बहुत उम्मीद है सर, नॉर्थ लेकर सर किसी ने ना ब्रेकफास्ट किया है ना किसी ने पानी पिया है सर, बहुत उम्मीद है सर, सर आपसे बहुत उम्मीद है ये सर 45 सर, हम धर्मशाला भी आए थे आपसे मिले थे तो काफ़ी अच्छा आशवास मिला था, तो ठाकुर साहब कमल नरेगा वाली है ना, उनको भी ना 240 रुपये दिहाड़ी मिलती है ना, एक हमको देखो हमें 150 रुपये मिल रही है सर, ये क्या अन्याय है सर, अब खुद ही देखो सर, सर घर वाले में बोझ बन रहे सर, क्योंकि सर देखो ना परेशान हो चुके हैं ना ऐसे ना, देखो ये लड़के कुछ लड़के ज़्यादा एज के भी हैं, मेरी भी 29 साल एज होगी है, आगे शादी भी करनी होगी, कौन लड़की देगा सर, सीधी सी बात है, हंसने वाली बात नहीं, सीधी सी बात, सच बात बोल रहा हूँ मैं, एक क्रेज होता है स्कूल में, क्रेज होता है सर कुछ करने का ना, होता है सर, तो पहले ही खत्म हो गया, पॉइंट की बात कर रहा हूँ भाई, करेंगे सही बात है सर, आप सर कब करना, सर कब तक होगा, सर करता हूँ कब तक सर, परमिशन करेंगे बजट में और आगे आगे करके बस यहीं पे चलते हैं, सर नमस्कार, चलो शाबाश शाबाश यहीं करते हैं, चलो चलो सर हमारे सुनिया मैंने आगे रुको तो मैं घूम बता रही हूँ,
सर कैसे हैं? एक मिनट सर, एक तबादला हो गया क्या कान को आज यहाँ पर मल्टीटास्क वर्क कर रहे हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं, सरकार से काफ़ी उम्मीदें लेकर आए हैं, क्या क्या? देखिए हम तो लगातार इनके साथ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये सही है कि इनके इनका मानदेय बढ़ाने की जो डिमांड है वो जायज़ भी है एक किस्म से, क्योंकि जो मिनिमम आपके वेजेस सेट किए हैं उससे भी ये कम है और इनका बड़ा बहुत बड़ा योगदान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रहा है, खास करके आपदा के समय में इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो हम इनकी आवाज़ को निश्चित तौर से सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भी है उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी हम इनकी बात को वित्त मंत्रालय में रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष में रखूँगा ताकि कोई ना कोई इनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में बनाई जाए और जो वेजेस की बात इन्होंने करी है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, उसके लिए हम पूरी मजबूती से कार्य कर भी रहे हैं और इसीलिए आज इनको एहसास दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वी आर विद यू और जो भी हम अपनी ओर से कर सकेंगे वो करेंगे।